वेरी गुड मॉर्निंग नर्सरी क्लास, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने किया था एच, एच फॉर हाउस, उसके पहले हमने किया था टी, एल एंड एच। हम ये तीन टॉपिक कर चुके हैं, आज हम करेंगे ई फॉर एलिफेंट। आज हम क्या करेंगे? ई फॉर एलिफेंट, ई ए एलिफेंट। ई हम बच्चों को कैसे बनाना सिखाएंगे? इसमें भी पहले स्टैंडिंग लाइन आएगी, आप पहले ऊपर बच्चों को ऐसे टॉपिक डाल के देंगे ई। एंड डॉट्स इसकी ध्यान से देखें, इसमें हम सिर्फ टू डॉट्स डालते हैं। हमने ई बच्चों को सिर्फ टू डॉट्स पे ही सिखाना है, 3, 4 या 5 डॉट्स नहीं डालने, सिर्फ 2 डॉट्स सिंपली हमने ऐसे बच्चों को डाल के देने हैं एंड ई सिखाना है। देखो बिल्कुल इस तरह से अपने बच्चों को प्रॉपर वे से डॉट डाल के देने हैं, फर्स्ट डॉट सबसे ऊपर लाइन में एंड सेकंड डॉट थर्ड लाइन में डाल के देना है। एंड बच्चों को हमने ई कैसे सिखाना है, सबसे पहले उनको स्टैंडिंग लाइन तो आती है, उनको बोलना है स्टैंडिंग लाइन बनाएं। स्टैंडिंग लाइन बनाने के बाद हमने बच्चों को ये प्रॉपर वे से बताना है कि जो फर्स्ट लाइन है ई की, सबसे ऊपर लाइन में, सेकेंड बीच में एंड थर्ड लाइन में, प्रॉपर सीधी लाइन में हमने ई बनाना सिखाना है। ये नहीं कि बच्चों की लाइन नीचे जा रही है या ऐसे ऐसे कर रहे हैं या साइड पे जा रही है। ई सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप ई की प्रॉपर वे से अच्छे से प्रैक्टिस बच्चों को करवाएं। स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड 3 लाइन्स, 1, 2, 3। स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, बीच में स्लीपिंग लाइन, नीचे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बिल्कुल प्रॉपर वे से, बिल्कुल अच्छे से इसको करना है। देखो बिल्कुल इस तरह से बच्चे अच्छे से पूरा बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन एंड 3 लाइन्स बिल्कुल सीधी स्लीपिंग लाइन। ये हमारा नया टॉपिक है और ये सिखाना बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करवा के अच्छे से आप बच्चों को ई सिखाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।